हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एमरॉन का एक यहाँ पे यूपीएस है और इसमें हम इसकी बैक सेटिंग के बारे में देखेंगे। अगर आपके इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा है, बराबर बैकअप नहीं दे पा रहा है, अगर आपने ये सेटिंग कर ली तो आपका जो इन्वर्टर का बैकअप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी बैक सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इन्वर्टर के पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एमरॉन का है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है सेटिंग के लिए। यहाँ पे दे क्विक चार्ज और नॉर्मल चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं वोल्टेज के लिए दिया हुआ है नैरो और वाइड, दो यहाँ पे वोल्टेज के स्विच दे रखे हैं, यानी दो स्विच दे रखे हैं, एक चार्जिंग के लिए एक यहाँ पर वोल्टेज के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग पर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर 12 एम्पियर क्विक चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है और नॉर्मल में यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे ये एम्पियर ले रहा है ये नो लोड करंट है, अभी ये चार्जिंग एम्पियर नहीं ले रहा है। जो इस पर लोड है, जो भी इन्वर्टर पर लोड पड़ा है, बैटरी से जो इसमें से खर्च हो रहा है उसका यहाँ पे ये दिखा रहा है। यहाँ पे 5.9 एम्पियर ये खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी आपके नैरो वोल्टेज दे रखा है और वाइड वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमने किस में इसको कैसे रखना है वो सब मैं दिखाऊंगा। देख सकते हैं पावर मैंने ऑन कर दी है, पावर ऑन करने के बाद मेरे चार्जिंग एम्पियर देख सकते हैं 10.6 एम्पियर मेरे यहाँ पर ले रहा है, क्योंकि जो मेरा वो स्विच है वो हाई एम्पियर पर रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हम क्विक चार्जिंग कह सकते हैं, 12 वहाँ पर मैंसन किया हुआ है। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ नॉर्मल चार्जिंग में तो यहाँ पर देखते हैं 8.0 के करीब ले रहा है और यहाँ पर ये 9 एम्पियर यहाँ पर दिखा रहा है नॉर्मल चार्जिंग 9 एम्पियर। अगर बैटरी आपकी चार्ज होगी तो तब यहाँ पर प्रॉपर चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं होगी तो ही आपका प्रॉपर चार्ज लेगा। तो मेरी बैटरी कुछ पहले से भी चार्ज है तभी 7.98 एम्पियर करीब यहाँ पर ले रहा है। फिर से देख सकते हैं मैंने क्विक चार्जिंग पर कर दिया तो यहाँ पर 10.56 एम्पियर मेरे ले रहा है, जो कि वो बता रहा है कि यहाँ पर 12 एम्पियर क्विक चार्ज में ये देगा। तो बैटरी अगर पहले से चार्ज है तो वहाँ पर एम्पियर थोड़ा कम हो सकते हैं। देख सकते हैं एमरॉन का 880 VA का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और यहाँ पे ये एक MCB भी लगी है जो कि AC इनपुट AC पे लगी हुई है। ये MCB कभी कभी गिर जाती है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वोल्टेजों को आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जो आपका ये नैरो वोल्टेज है, नैरो वोल्टेज में 180 से 265 वोल्टेज रहता है नैरो। अगर आपके वहाँ 180 से 265 वोल्टेज आते हैं तो आप उसको नैरो रखें। और जो वाइड है आपका, यहाँ पे वाइड पर आपके 100 से 295 वोल्टेज यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो कोशिश करें कि वाइड पे ही रखें। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वाइड पर कर रखा है, वाइड पे ही यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे बैटरी देख सकते हैं, ये बैटरी है यहाँ पे, ये 160 AH की एम्पियर की यहाँ पर ये बैटरी है, इसको इसमें कनेक्ट किया हुआ है। और अभी गर्मी का टाइम है तो हम इस पर इसको हाई चार्जिंग पर इसको रखेंगे, क्विक चार्जिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इससे रेट अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।